नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरूप, मेरे YouTube चैनल डॉक्टर अरूप्स हेल्थ फ्रेंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। यूट्रस, जिसे हिंदी में गर्भाशय या जरायु भी कहा जाता है, ये महिलाओं के शरीर में बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है, जिसके रख रखाव और उचित देखभाल के बिना एक बच्चे की प्राप्ति कर पाना बहुत हद तक असंभव है। विवाह के पश्चात काफ़ी सारी महिलाएं बच्चा जन्म देने की ताकत को खो देती हैं या बच्चा उनका समय पर नहीं होता है, जिसका एक बहुत बड़ा कारण यूट्रस की वीकनेस या गर्भाशय की कमजोरी को भी माना जाता है। तो आज मैं गर्भाशय की कमजोरी के लक्षणों के बारे में और उसके रखरखाव के बारे में कुछ अहम जानकारी इस वीडियो के माध्यम से शेयर करूँगा। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करूँ, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल डॉक्टर अरूप हेल्थ फ्रेंड को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो संपूर्ण देखने के बाद अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। आपके सवालों और सुझाव को कमेंट बॉक्स में जरूर भेज सकते हैं। आमतौर पर इनफर्टिलिटी, जो बच्चा लेने की ताकत महिलाओं में ख़त्म हो जाता है, उसका बहुत बड़ा कारण यूट्रस की कमजोरी को माना जाता है। बाँझपन या कई बार मिसकैरिएज, बच्चा जो है रुक गया है गर्भ में, उसके बाद एक दो हफ्ते या चार हफ्ते के अंदर ही बच्चा जो है वो वॉश आउट हो गया या अबॉर्ट हो गया, या किसी तरीके से जो है मिसकैरिएज, जिसे मेडिकल टर्म में कहते हैं, ये कई बार जो है इस तरह की स्थिति तब पैदा हो जाती है जब महिलाओं में गर्भाशय की कमजोरी होता है। गर्भाशय की कमजोरी साथ वैजाइनल ब्लीडिंग, कई बार वाइट डिस्चार्ज का साथ में आना, शारीरिक संबंध के समय पे दर्द की महसूस करना और वैजाइना में स्वेलिंग महसूस करना, इस तरह के कई तरह के जो लक्षण हैं, ये यूट्रस के कमजोरी को जाहिर करते हैं। इसके साथ साथ कई बार यूट्रस इसलिए कमज़ोर होता है कि हम बराबर जो है गर्भपात करा रहे हैं, घड़ी घड़ी बच्चा प्रेगनेंसी को लेने की कोशिश करते हैं और घड़ी घड़ी जो है अबॉर्शन कराते हैं। कई बार कई तरह के टैबलेट्स का प्रयोग करा के भी हम अबॉर्शन कराते हैं, वो भी सही नहीं, यूट्रस को कमज़ोर करता है। कई बार एक्सटर्नल और इंटरनल इंजरी के वजह से भी, चोट के वजह से भी, बाहरी या अंदरूनी चोट के वजह से भी महिलाओं के गर्भाशय वीक होता है, कमज़ोर होता है। उसके साथ साथ अनहेल्दी डाइट, अच्छी डाइट नहीं लेंगे तब भी जो है गर्भाशय कमज़ोर हो सकता है। अच्छी लाइफस्टाइल और अच्छी डाइट रखने से गर्भाशय स्ट्रांग हो सकता है, ठीक हो सकता है, जिससे बच्चा जन्म देने की ताकत महिलाओं में बरकरार रहेगा, पीरियड रेगुलर रहेगा, पीरियड में किसी तरीके के क्लॉट्स या पेन नहीं रहेगा। और यूट्रस की कई तरह की जो दिक्कतें हैं, जैसे यूट्रस में फाइब्रॉइड हो जाना, रेशा पड़ जाना या ट्यूमर होना, सिस्ट का होना या बल्कि यूट्रस, इससे भी बचा जा सकता है हेल्दी लाइफस्टाइल और हेल्दी डाइट के थ्रू से। हरी साग सब्जी, सीजनल फ्रूट्स और सीजनल सब्जियों का भरपूर उपयोग करें महिलाएं, और पानी ज़्यादा पीजिए। अपने से बार बार गर्भपात कराने की टैबलेट्स का प्रयोग न कराएं। बेहतर है एक बच्चे से दूसरे बच्चे के बीच में एक नियमित गैप का रखें। डॉक्टर प्रिस्क्राइब कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स या इंट्रायूट्राइन डिवाइस का ही प्रयोग कीजिए। इसके अलावा अगर आपको किसी भी प्रकार की शारीरिक या गायनेकोलॉजिकल कोई भी बीमारी है तो नज़दीक के डॉक्टर से मिल करके आप इसका उचित इलाज लें, खुद से ट्रीटमेंट ना कराएं और बीमारी को ना छुपाएं। इससे आपका यूट्रस बिल्कुल हेल्दी बना रहेगा और आपको एक स्वस्थ बेबी भी बहुत आसानी से मिल पाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरे ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए बहुत हद तक लाभप्रद रहेगा और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो या सुझाव हो या प्रत्यक्ष मुझसे मिलना चाहते हैं तो मेरे तीनों क्लिनिक्स के एड्रेस और मेरा व्हाट्सएप नंबर यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर में डॉक्टर अरूप कुमार दास पेज में भी उपलब्ध है। आप वहां से भी मुझ तक संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।